उदयपुर में मदरसे को दी जा रही जमीन को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि पूरे शहर की तालेबंदी हो गई। माहौल इतना गर्मा गया कि पूरा प्रशासन तनाव में आ गया। हिंदू संगठनों ने जिस तरह मदरसे को जमीन आवंटित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद हालात बिगड़ने शुरू हो गए। आखिरकार प्रशासन के घुटने जो है उसे टेकने पड़े। सच तो यह है कि झीलों के शहर में बवाल बढ़ सकता है, लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। यहां सड़कों पर आज भगवा रंग दिख रहा है। हाथों में भगवादारी हिंदू आक्रोश में, भीड़ इतनी है कि गिनती कर पाना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है ताकि कोई यहां की शांति व्यवस्था न भंग कर दे। ये चिंताजनक तस्वीरें झीलों के शहर यानी उदयपुर के मावली कस्बे की है, जहां मदरसे को आवंटित हुई जमीन को लेकर हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर के मावली कस्बे में मदरसा निर्माण के लिए आवंटित हुई जमीन के आवंटन को रद्द करने की मांग को लेकर आज सर्व हिंदू समाज की ओर से मावली बंद का आह्वान किया गया, जिसका मावली कस्बे में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही पूरा बाजार बंद था और बंद के समर्थकों में हजारों की संख्या में लोग पुराना बस स्टैंड पर जमा हुए। सर्व हिंदू समाज ने पूरे इलाके के छोटे बड़े सभी बाजारों को बंद करा दिया है, जिसका असर इन बंद दुकानों को देखकर आप समझ सकते हैं। और यहाँ इस प्रकार की जमीन की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जिस प्रकार से संतों का और सनातनी लोगों का जनसैलाब देख रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कस्बे में मदरसे के लिए इस जमीन का आवंटन किया था। इसके बाद से लोग उसका विरोध कर रहे थे। लोगों के बढ़ते विरोध के बाद मावली एसडीएम ने आवंटित जमीन की जांच करवाने के लिए तहसीलदार, मावली थाना अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की एक टीम बनाई। इस घटना के बाद दोनों ही समुदाय से जुड़े लोग आमने सामने आ गए। खास बात यह भी है कि मदरसे को आवंटित हुई जमीन के पास ही हिंदू समाज का शमशान घाट भी है। जो मदरसे के नाम से पूर्व राज्य सरकार ने अलॉटमेंट की है, हम इस केंद्र सरकार से मांग करते हैं, पर जो राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो अलॉटमेंट की है वो निरस्त किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। तो एक साल पहले अलॉट हुई जमीन, ये आज तो हुई नहीं जमीन, तो पहले इसको ऑब्जेक्शन पहले कर देना चाहिए। आज माहौल बिगाड़ने के हिसाब से ये जो करा जा रहा है आंदोलन, तो ये अनुचित है। आप भाईचारों को ये मतलब डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि आवंटित जमीन को जिला कलेक्टर ने निरस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि आवंटित जमीन जल भराव क्षेत्र में आती है, साथ दो भागों में बटी जमीन के बीच से हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। जैसे तैसे यहाँ शांति व्यवस्था बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।